हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस पाल वर्ल्ड का। और आज का जो पाल वर्ल्ड का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और हमारी पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट है गाइस एक, जिसमें आप लोग को जो है गाइस हमारे पाल वर्ल्ड के जितने भी एपिसोड अभी तक हम लोग ने रिकॉर्ड करे वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। सो उस पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन से। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं फ्रॉस्टलैंड को मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और हमारा आज का गोल जो है गाइस वो क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम लोग एक होमिंग मिसाइल लॉन्चर जो है गाइस, एक रॉकेट लॉन्चर जो है फाइनल लेवल का, ठीक है, लेजेंडरी वाला गाइस रॉकेट लॉन्चर होता है वो बनाने वाले। और मुझे कुछ बंदों ने बोला है कि उसके अंदर ना हम लोग कुछ अपने पैल्स को डाल के जो है गाइस, एक मिनट रुको, ध्यान देना तो इस पे, हाँ ठीक है, ध्यान देना था, हाँ उसके अंदर हम लोग अपने पैल्स को भर भर के उड़ा सकते हैं। और एज अ वेपन जो है गाइस पैल को एज अ वेपन, एज अ रॉकेट लॉन्चर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे चेकआउट करनी है एंड उसी के लिए जो है ना गाइस आज थारा भाई यहाँ पे वो रॉकेट लॉन्चर बनाने वाला है। बट साथ में जो है ना गाइस मुझे फ्रॉस्टेलियन जो है हमारे इनको भी कैप्चर करते रहना है, क्योंकि मुझे जो है गाइस यहाँ पे फ्रॉस्टेलियन एक चाहिए 4 गोल्डन स्किल वाला, और मुझे बॉस ही चाहिए। मैं ब्रीडिंग से नहीं निकालना चाहता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग से निकलने से जो है ना गाइस उनकी हेल्थ वगैरह पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, डैमेज वगैरह बढ़िया होगा पर उसकी हेल्थ काफी कम होगी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली बॉस ही चाहता हूँ जो मुझे 4 गोल्डन स्किल वाला मिले। और उसके मिलने के चांसेस भी है, क्योंकि हम लोग को पहले ही गाइस हमारे जेट्रोगोन मिल चुका है 4 गोल्डन स्किल वाला। तो अभी अरे यार अटक गया इसमें, तो अभी फ्रॉस्टेलियन भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको कैप्चर करता हूँ, उसके बाद घर पे जाके और रॉकेट लॉन्चर बनाते हैं और देखते हैं कैसे उससे हम लोग कितनी तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। एनिबस भाई को उतार दो, एनिबस भाई जाओ, एनिबस भाई जाओ, एनिबस भाई जाओ, एनिबस भाई जाओ, ओके ओके, नाइस नाइस, एनिबस भाई काफ़ी बढ़िया, अटैक अटैक एनिबस भाई। अरे यार मेरी वेपन भी डैमेज है ना, मेरे वेपन भी डैमेज दे गई थोड़े से, ओके संभल के, मेरे वेपन भी डैमेज है, थोड़ा संभल के रहना, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, ओके ऑल राइट, काफ़ी बढ़िया, नाइस जी जी, हाँ डैमेज ना पड़े ज़्यादा, संभल के थोड़ा, ओके 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 ओके। एनिबस भाई तुम इधर आओ, फ्रॉस्टेलियन भाई जा, फ्रॉस्टेलियन भाई इसकी बैंड बजा, कम ऑन भाई, शादी में आया क्या भाई, अरे ये क्या भाई एक दूसरे को लव बाइट दे रहे, एक दूसरे को, अच्छा अटक गए एक दूसरे के अंदर, मैं तो एक दूसरे के अंदर अटक गए भाई। हेलो ये क्या भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है गाइज, हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, चल क्या रहा भाई। अबे भाई मेरे पास उतनी ज्यादा गोलियां नहीं है, वरना मैं मार देता ऐसे ही, बट गोलियां नहीं है अफसोस मेरे पास, सो ऐसे मार नहीं सकता इसको मैं। ले बेटा आई, हमारे भी भाई, हमारे भी पाल के पास ओपी वाले डैक से ब्रो, तेरे पास ही नहीं है बस, रुक जा, अभी देख जलवा, अभी देख जलवा। हाँ भाई यार इसको ये वाला डैक जो है ना जेट्रोगोन से मारने में हमेशा मजा आ जाता है मेरे को, हमेशा मजे ही मजे आते हैं भाई, मजे ही मजे आते हैं ये वाला डैक डालने में। ठीक है ब्रो, ठीक है ब्रो, ठीक है ब्रो, अरे एक नंबर एक नंबर, अरे यार एक नंबर अटैक लगा नहीं लेकिन उसको, ओके ये वाला अटैक लगेगा, ये भी फायर अटैक है, ये भी काफी बढ़िया डैमेज डील करेगा, यार आग लग जाती है ना इसको तो मजा आ जाता है। ओ शिट, मैं अटक गया था उस कोने में, आग लग गई एक नंबर, नाइस में बोला आग लग जाती मजा आ जाता, इस भाई को आग लग गई भाई। ब्रो गो, उसके अटैक कूल डाउन पे जा चुके हैं, उसके लिए इसको निकाला बाहर, ओके नाइस, ये वाला अटैक काफी बढ़िया तेरा, वाह, लेकिन इसको हवा में उसके नजदीक पहुंचने से पहले वो कर दिया फ्रीज, ठीक है ओके ठीक है। एनिबस को निकालता है, टोकोडोको को निकालो गाइस, टोकोडोको आ जाओ, टोकोडोको भाई, बूम हेडशॉट, ये ले पट से हेडशॉट, अबे गोले छोड़ूंगा इतना, इतनी गोली छोड़ूंगा, इसमें सोच ही ना होगी भाई को। जेट्रोगोन भाई दिखाओ अपना जलवा, जेट्रोगोन भाई कम ऑन, अरे 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 जेट्रोगोन कम ऑन लेट्स गो, डैम बच गया बाल का, 2000 रेल बचे, नाइस
नाइस जेट्रागन, काफी बढ़िया डैमेज, काफी बढ़िया डैमेज। आग लग जाए यार इसको, बस आग लग जाए भाई, इसको आग लग जाए तो मजा आ जाए, इसको आग लग जाए बस। हाँ इस वाले अटैक से आग लग जाती है, बताए आपको इस वाले अटैक से मैक्सिमम टाइम आग लगती है, लेकिन अभी नहीं लगी। ठीक है संभल कर रहना, 900 हेल्थ बचिए भाई। एक हाथ अटैक कर दे यार, एनिबस को निकालता हूँ। एक अटैक चाहिए बस, एक दो अटैक ज़्यादा नहीं। जा भाई एनिबस, एक दो अटैक दे जा। हाँ एक और अटैक दे इसको, अच्छा खासा एक और अटैक दे, बढ़िया वाला एक अटैक। नाइस जी जी, 400 हेल्थ, ठीक है बस इनफ है, बाकी हम संभाल लेंगे। ओके शील्ड गई अपनी, संभल कर। ऑलराइट जी जी, 117 हेल्थ है भाई की, 35 कम हेल्थ है अभी, थोड़ी संभल के एक गोली। ओ नाइस हा भाई, नाइस अटैक ब्रो, नाइस अटैक, बट देख लिया मैंने, एक एक गोली मार मार के इसकी थोड़ी थोड़ी हेल्थ डाउन कर करके कैप्चर करेंगे भाई को। ये ले बॉल्स, 9 बचे हैं, ज्यादा बॉल नहीं है गाइस, तो थोड़ा संभल के। ओके नाइस जी जी, लेट्स गो, गोल्डन स्किल यार दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको, दे दो ना यार गोल्डन स्किल, नहीं दे रहे भाई। मैं कल तक ट्राई करूंगा, कल आखिरी दिन होगा, कल ट्राई करूंगा, कल नहीं मिला ना तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है फ्रॉस्ट्रेलियन, मैं उसी को मैक्स लेवल कर दूंगा। ठीक है, वो हमारे इस वाले फ्रॉस्ट्रेलियन मैक्स से जो ना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, सो मैं उसी को कर लूंगा। देखता हूँ कल तक का भाई टाइम दे रहा, कल तक मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मिल जाए बस 4 गोल्डन स्किल वाला तो मजे आ जाएंगे, नहीं मिला तो हम लोग भाई प्लान भी यूज कर लेंगे। चलो आ जाओ अभी जल्दी से भाई, हम लोग चलते हैं अपने बेस पे, और बेस पे आज रॉकेट लॉन्चर बनाना है। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए हम लोग को ना पैल इनगट चाहिए होगा, रुको अपने दूसरे बेस से थोड़ा सा भाई और लेके आना पड़ेगा, तीसरे बेस से नॉट दूसरे, थर्ड बेस से और लेके आना पड़ेगा थोड़ा गाइस मेरे को, और यहाँ पे हाँ इकट्ठा तो हो चुका है, रुको कलेक्ट करने का काम करता हूँ मैं, कलेक्ट करके लेके जाऊँगा मस्तबे के बेस पे ये सारा का सारा और गाइस। ठीक है रुको गाइस, ये बॉक्स में डालने दो, ये सारा और जो है गाइस हम लोग घर पे लेके जा रहे हैं, इसी से जो है गाइस हम लोग यहाँ पे पाल इनगट बनाएंगे, और उन्हीं पाल इनगट्स की मदद से हमारे जो है ना गाइस यहाँ पे बनेंगे वो रॉकेट लॉन्चर। ठीक है चलो आ जाओ, एक मिनट, अरे यार नीचे उतार दे भाई फ्रॉस्ट्रेलियन ब्रो नीचे। हाँ ठीक है चलो, यहाँ से गाइस मैं और उठा लेता हूँ, रुको और उठा लेता हूँ जल्दी 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 जल्दी, कोल एंड ओल दोनों उठाता हूँ चलो। ठीक है कोल एंड ओल दोनों उठाते, इस वाले में थोड़े से ज़्यादा होंगे, हाँ 130 इससे लगभग 50 तो बन जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है पाल इनगट 50 बनने चाहिए इतने से, तो देखते चलो देखते कितने बनते हैं, हमको 100 प्लस भाई पाल इनगट की जरूरत है। ओ बन जाएगा रॉकेट लॉन्चर, ये देखो 122 इनगट्स पड़े हुए भाई यहाँ पे, कई प्रॉब्लम है, और चाहिए और बनाते 53 ये लो, और यहाँ पे भी पड़े हुए 30, रुको ये कलेक्ट करने दो गाइस, हमारा वो होमिंग मिसाइल रॉकेट लॉन्चर जो भी है भाई वो बन जाएगा, अभी बन गया समझ लो, बन जाएगा नहीं बन गया समझ लो भाई, ठीक है बन गया समझ लो, रुको अभी यहाँ पे डालने दो भाई, चीज़ें यहाँ पे डालने दो सारी, ठीक है चीज़ें यहाँ पे डालने दो। नाउ लेजेंडरी, रुको एक ब्लूप्रिंट पड़ी हुई है मेरे पास लेजेंडरी वाली, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके डन, ओके चलो आ जाओगे, जो रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए और कौन सी चीज़ चाहिए क्या हमको, ये सारी चीज़ें हो चुकी है हमारे पास, ये वाला है ना होमिंग स्पेयर, ये वाला ही 100 वाला, ये वाला और मुझे हाइपर ये वाली रिफाइंड इनगट चाहिए गाइस इसके लिए, ये मुझे हाइपर ग्रैपलिंग गन बनानी है गाइस, ये भी बनाऊंगा आज ही बना लूंगा मैं हाइपर ग्रैपलिंग गन, रुको आज नहीं अभी बनाता हूँ मैं, अभी इनकी ज़रूरत तो नहीं है ना भाई, ये पैल इनगट्स बनाना बंद कर भाई, भाई भाई हेलो 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 पैल इनगट बनाना बंद कर, ये बना जाए थोड़े 99, ठीक है पैल इनगट की ज़रूरत नहीं अभी फिलहाल के लिए। ए टोकोडोको को हटाओ और शैडो बैक खोलो, यहाँ पे टोकोडो को है काफ़ी ज़्यादा ओपी बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है चलो आ जाओ, अभी जो होमिंग रॉकेट लॉन्चर है गाइज ये मुझे क्राफ्ट करने दो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके गाइज ये क्राफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये क्राफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है चलो एनिबस भाई आ जाओ, क्राफ्ट कर ले जल्दी 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 फुल स्पीड में, अपना 5 लेवल वाला एनिबस है ना ये, हाँ 5 लेवल वाला है। ठीक है सो ये होमिंग स्पेयर लॉन्चर, और शायद से इसी के अंदर जो है गाइज हम लोग पैल्स को डाल के एज अ वेपन यूज कर सकते हैं शायद, आ गाइज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने शॉर्ट्स आते हैं ना गाइज यूट्यूब पे उसमें देखा था, तो मैंने बोला चलो यार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है सो
कहाँ गया? अबे गया कहाँ? हाँ? अच्छा ये रहा। ए भाई इसे डराया नहीं करो यार, मैं डर गया, मैं बोला कहाँ गया। ओके होमिंग इस मिसाइल, ओके इसमें बॉल चलेंगे क्या? आई थिंक मे ओके इसमें बॉल चलेंगे, इसमें बॉल चलेंगे। अच्छा बॉल फेंकने के लिए हम लोग ने ये रॉकेट लॉन्चर बना लिया यार, ये तो मैं हाथ से भी फेंक सकता था ना। हाँ गाइस होम इन पैल्स फायर स्पेयर होम इन पैल, मतलब क्या है? रॉकेट एमो 0, इसमें रॉकेट भी एमो चलेगी ना? पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ। एक पैल होता है, एक पैल होता है पेनग्विल्ड कुछ तो, ये वाला। इस पैल को बाहर निकाल, ओके इसका सैडल बनाना पड़ेगा, इसका सैडल बनाना पड़ेगा, इसका सैडल बनाना पड़ेगा। ठीक है विकम, ओके ठीक है इसका सैडल बनाता हूँ। इसी को ये वाला ना, अच्छा इसके लिए वो दूसरा रॉकेट लॉन्चर चाहिए। यार मैंने फालतू में ये रॉकेट लॉन्चर बना लिया। नहीं यार स्पेयर फेंकने के लिए मैंने बनाया इसको, इसे कैप्चर चार्ज बढ़ेंगे तो अच्छी बात है भाई, और ना इसे टाइम पास के लिए बनाया है ना, तो भाई सबसे घटिया चीज बनाई मैंने भाई, टाइम वो करके इतने रिसोर्सेस वेस्ट करके। ये दूसरा रॉकेट लॉन्चर कैसे बनेगा? रुको भाई यार क्या बना लिया भाई मैंने। ए वो वाला रॉकेट लॉन्चर बना, ये वाला पैलिनगेट चाहिए ना, पैलिनगेट है भाई, पैलिनगेट मैंने अभी ताजा बनाने के लिए डाले, पैलिनगेट 99। ठीक है ओ हाइपर गीगा ग्रैपलिंग गन जो है गाइस वो भी बना लूँ मैं। अच्छा पैलिनगेट चाहिए क्या? ओके ठीक है हाइपर ग्रैपलिंग गन बनाओ भाई, हाइपर ग्रैपलिंग गन। अरे यार बना रहे क्या कोई बना रही है? कौन बना रहा है? अच्छा एनिबस बना रहे, थैंक यू एनिबस भाई, थैंक यू बनाने के लिए हाइपर ग्रैपलिंग गन। ये हमारी ग्रैपलिंग गन से जो ना कहीं ज़्यादा भाई खतरनाक है, और लास्ट टायर की है ये गन, तो इससे हम लोग दूर दूर गए ग्रैपल कर पाएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा अभी। ठीक है सो इसके लिए मैं हाइपर ग्रैपलिंग गन बना रहा हूँ यहाँ पर। ऑल राइट बॉयज ओके, मेरे पास थोड़े से इनगट्स पड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा और चाहिए, बस थोड़ा और मिल जाए ना, थोड़ा सा और तुम्हारा काम हो जाएगा, पता है थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और कहाँ से मिलेगा मुझे पता नहीं भाई। ये सारी चीज़ें बनने दो, तब तक एक काम करता मैं, अंडे चंडे जो है गाइस ये इनक्यूबेट करने के लिए डालता, ये जो अंडे गाइस इसके इनक्यूबेट करने के लिए डालने दो मुझे। ठीक है इसको 5 लेवल मैक्स लेवल का करना है भाई। अरे यार तेरा पार्टनर कहाँ है? इसका पार्टनर गायब है भाई, इसका पार्टनर गायब है, पता नहीं कहाँ पे। जेंडर क्या है तेरा? फीमेल। मेल चला गया भाई, मेल कहाँ भाग जाता है भाई तू? मेल भाई कहाँ भाग जाते हो यार तुम? इधर आओ मेल भाई, कहाँ भाग जाते हो? ब्रीडिंग करनी है तुमको यहाँ पे, क्या कर रहा भाई तू? इधर आ चुपचाप ब्रीडिंग कर ले। ठीक है चलो ये अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए डालता हूँ, और चौथा आई थिंक से हमारा इनक्यूबेशन सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर, वो भी अभी यहाँ पे एक्टिव होने वाला है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे अंडे जो है जो इनक्यूबेट हो चुके होंगे मुझे लग रहा है थोड़े से, और नहीं एक ही अंडा इनक्यूबेट हुआ है बस। 100% स्पीड मिल रही है अभी भी, ठीक है चलो अच्छी बात है। 50% है यहाँ पे, ओके यहाँ पे 50% है ना, ओके ठीक है। एक काम करता हूँ एक कैंप फायर में यहाँ लगाता हूँ, एक कैंप फायर हम वहाँ लगाएंगे। 100 हो गया नहीं हुआ मुझे लगाता हूँ, एक कैंप फायर हम यहाँ लगाएंगे जिससे 100 हो जाएगा। डन, नहीं 50 हुआ, ये 50 हुआ, ये 100 हुआ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो अंडे इनक्यूबेट हो चुके हैं, इनको कलेक्ट कर लूँ जल्दी से गाइस। ठीक है इनको जल्दी से कलेक्ट करके हम आखिरी वाला जो हमारा ब्रीडिंग सेंटर है वो एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है आखिरी वाले ब्रीडिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये जो भाई पैल बॉल फेंकने के लिए जो रॉकेट लॉन्चर बनाया ना, उम्मीद करो गाइस हमारे किसी काम आए। अगर ऐसे फालतू में ये मैंने बनाया है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज इसके लिए वेस्ट करे हैं भाई। ठीक है उम्मीद करो इससे भाई कैप्चर चांस बढ़ जाए हमारा। ओके मेल फीमेल, यस ऑल राइट, लेवल 1 आ जाओ मैडम जी। ओके उम्मीद कर रहा हूँ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हनी दी हो भाई इस टाइम में, ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ मैं। चारों के हमारे ब्रीडिंग सेंटर पैलीडियस से अभी फुल हो चुके हैं। ओके बॉयज पैलीडियस से एक क्या मेल चाहिए, हाँ
पैलेडियस से जो है ना चारों के चारों ब्रीडिंग सेंटर हमारे फुल हो चुके हैं। सो हम लोग आराम से अभी यहाँ पे इनके अंडे जो है गाइस वो इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है चलो आ जाओ। 20 अपना काम कर रही है, ठीक है अच्छी बात है। नाउ नीचे चलो, नीचे मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है। ठीक है ये गीगा, हाँ ये ग्रैपल गन लेने दो, हाइपर वाली, हाइपर ग्रैपल गन यहाँ लगाएंगे। हाइपर ग्रैपल गन का क्या सीन है, मतलब एकदम टॉप पे भी लगेगी क्या उतने ऊपर? रुको रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई है क्या इसकी? अरे हाँ रे और रेंज तो बहुत ज़्यादा हाई है सच में यार। ये वाली गन नहीं लग पाती थी वहाँ पे ऊपर एकदम टॉप पे, ये फर्स्ट फ्लोर तक जा पाती थी लेकिन ये वाली गन सेकंड फ्लोर तक जा पा रही है। वो भी बोलते इसको यहाँ पे डाल दो। ये लेजेंडरी बॉल नहीं भाई, ये हाइपर गन यहाँ पे डाली जाए। ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो नाउ। अभी मुझे इसका सैडल टेंगल्ड रॉकेट लॉन्चर। अच्छा इसका रॉकेट लॉन्चर इसका अलग से बनता है क्या? अच्छा इसका रॉकेट लॉन्चर अलग से बनेगा? व्हाट? हेलो ड्यूड मार बूम खलास। ये मर जाएगा ऑफ कोर्स भाई, ये थोड़ी जिंदा रहेगा। अच्छा भाई वो रॉकेट लॉन्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना फिर? मुझे लगा था इसका भाई इसका रॉकेट लॉन्चर अलग से नहीं बनेगा, ऐसा मुझे लगा था भाई। ये तो बढ़िया है गाइस, ये गाइस मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान है। चार पेंगिल्ड पकड़ते हैं और जोई और ग्रिज़वोल्ड की बैंड बजा के आते हैं, कैसा प्लान है गाइस? हाँ कैसा प्लान लगा आपको? रुको गाइस पेंगिल्ड भाई मैक्स लेवल के पकड़ने हैं, थोड़े हाई लेवल के पेंगिल्ड भाई यहाँ मिलेंगे, थोड़े हाई लेवल के। ठीक है पकड़ते हैं और जाके ना जोई और ग्रिज़वोल्ड की बुर्जी बनाते, बुर्जी। ठीक है इधर कहाँ पे आ गया मैं? हाँ ये सही तो है, हूँ इधर जाना था। ये मुझे थोड़े हाई लेवल के चाहिए क्योंकि हाई लेवल होगा तो इनका डैमेज भी ज़्यादा जाएगा ना, लो लेवल है तो भाई इनका डैमेज उतना तगड़ा नहीं जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ भाई, पाँच पकड़ने, पाँच लगभग। ठीक है फुल भाई फुल मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से बाण बजाएंगे। अरे पैल्स के छुट्टी पे गए क्या? ये रहा दो लेवल है, लो दो लेवल। चलो आ जाओ अभी क्या करें भाई, दो ही सही। इनको थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा लेवल मिलेगा तब देखते हैं भाई। ठीक है अभी दो लेवल ही सही। पाँच चाहिए गाइस, नहीं चार चाहिए, एक पड़ा हुआ है मेरे पास, चार चाहिए गाइस। रुको चार, आई नीड फोर। वो रहे आखिरी वाले दो। तीन लेवल है, इनकी लेवल अप कैसे करनी है मेरे को बताया गाइस। इनकी लेवल अप करके लेके जाऊंगा मैं, ऐसे लेके नहीं जाऊंगा गाइस, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। इनकी लेवल अप करके लेके जाएंगे हम भाई। कैप्चर हो, नाइस आ जा भाई, वो कैप्चर बैड लेवल वा, तू भी कैप्चर हो। चलो तुम कैप्चर होंगे मेरे को बताया, मैं अभी यहाँ से बेस पे जाता हूँ जल्दी से। चलो आ जाओ गाइस जल्दी से, उड़ उड़ के हम लोग चलते हैं गाइस हमारे बेस पे। और वो अपना टिपिक बेस पे चलते हैं और इनकी जो ना गाइस हमको पाँच ये जो पेंगिल्ड पैरे पैरे से पेंगविन से उनकी लेवल अप करनी है यहाँ पे। ठीक है बढ़िया से लेवल अप करनी है। अरे यार ऊपर जा, स्टैमिना खत्म क्या? ठीक है ये रॉकेट लॉन्चर अभी नहीं डालना इधर, ये रॉकेट लॉन्चर भाई देखते हैं अभी काम आता है कि नहीं, किसी बॉस वगैरह को कैप्चर करेंगे तभी पता चलेगा पाल वाला जो रॉकेट लॉन्चर हमने बनाया वो किसी काम आ रहा है कि नहीं। ठीक है रुको ना भाई, ये तुम इधर जाओ भाई, तुम इधर जाओ, सब उधर जाओ भाई, इधर आ भाई, तू भी इधर आ भाई। ठीक है आओ गाइस, लेट्स गो। अभी देखो तेरे भाई का जलवा। ठीक है एक काम करता हूँ ना, रॉकेट लॉन्चर से पहले भाई मामद को डैमेज देके देखता हूँ कितना जा रहा है, क्योंकि अभी शाम तो होने वाले तो रिवाइव तो हो ही जाएंगे ये लोग, रिवाइव तो हो ही जाएंगे। रेडियो गाइस इधर आ भाई, इधर आ भाई। ए भाई लो बाद में लकड़ी कर यार, इधर आ। यस लॉर्ड लॉकन लोडेड बूम शॉट। ठीक है चेंज, सीधा चेंज, डैमेज तो नहीं पड़ा है बट भाई उड़ा के रहूंगा फिर भी। कम ऑन लेट्स गो बॉयज लेट्स गो। अरे इधर आ लेट्स गो बॉयज बूम। ओ भाई मजा आ रहा है, इधर आ
डैमेज नहीं ज्यादा क्योंकि भाई दो दो तीन तीन लेवल है गाइज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 10-20,000 डैमेज नहीं है भाई, दो दो तीन तीन लेवल के क्या ही डैमेज देंगे। कम ऑन, उनकी लेवल अप करने के लिए खास लेके आया हूं मैं यहां पे। क्या मर गया बली जवानी में बेचारे की पैंट बजा दी तूने, तेरे को मरना पड़ेगा, तेरे को इस चीज की सजा जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी भाई अवश्य। ये ले मरेगा तो बेटा महमद, महमद बेटा मरेगा तो अभी मेरे हाथों मरेगा महमद भाई तू। पट से हेडशॉट, पट से बम शॉट, बाय बाय। कितने 26-26 लेवल हो चुके हैं भाई लोग, भाई लोग उनकी 26-26 लेवल अप हो चुके, थोड़ी और लेवल अप आ गई गाइस, थोड़ी और लेवल अप भाई, 26 लेवल अप, आई डोंट लाइक 26 लेवल अप, मुझे इनकी और भाई लेवल अप करनी है। ठीक है थोड़ी और लेवल अप करते गाइस, रुको इसको टावर बॉस को मार के आता हूँ मैं, वो वाले आइस वाले बैम के, शॉटगन ओनली भाई बॉस फाइट रहेगी वो, शॉटगन ओनली। चलो आ जाओ गाइस, इनसे जेना गाइस तबाही मचा रही है यार। ये बैल्स में काफी पहले कैप्चर कर लिए थे बट मुझे पता नहीं था ये इसे भी कर सकते हैं, ये मुझे अभी कमेंट्स में पता चल रहा है भाई, जब अपनी पब्लिक हमको बता रही है। ठीक है पिज्ज़ा खाओ, पिज्ज़ा खाएंगे, ठीक है चलो आ जाओ, पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाते हैं, पहले इस बॉस की बैंड बजाते हैं, चलो आ जाओ लेट्स गो बॉयज, इस बॉस की बैंड बजाते हैं। शॉटगन ओनली भाई, ये शॉटगन ओनली गेम प्ले होने वाला है यहाँ पे, फाइट शॉटगन ओनली होने वाली है अभी। अरे लगने तो मेरा आर्मर संभाल लेगा भाई, आर्मर भाई ऐसे वैसे आर्मर नहीं पहन के बैठता मैं, ओपी वाला आर्मर भाई पहन के बैठा हूँ मैं। पट से हेडशॉट, लोड, रिलोड, पट से, ये ले, ओके डन, पट से हेडशॉट, ये ले बेटा, ओके, आखिरी एक और पट से हेडशॉट इसको देना, पट से हेडशॉट, ओह यस, कितना 29 लेवल ही हुई भाई, 29 लेवल ही हुई, ओनली 29 लेवल इज द, मैंने सोचा था थोड़ी सी हाई लेवल होगी गाइस, बट नहीं हुई भाई हाई लेवल। चलो कोई ना भाई, 29 तो 29 लेवल ही सही, ठीक है देखेंगे 29 लेवल के हमारे जो पेंगविन्स है वो रॉकेट लॉन्चर में जब फिट होते हैं तब कितना डैमेज दे पाते हैं। ठीक है गाइस लेट्स गो, आ जाओ अभी मजा आएगा ना भिड़ू, सारी की सारी ओपी वाली चीजें जो है गाइस वो हम लोग ने फाइनली बना ली है। ठीक है सारी की सारी ओपी चीजें बन चुकी है, ये हमारे रिवाइव भी हो चुके हैं, अभी इनसे आ जाओ, पहले महमद को, अरे महमद नहीं मारते यार भाई, टावर बॉस को मारते, रायन सिंडिकेट वा को मारते भाई रॉकेट लॉन्चर से, क्या बोलती पब्लिक, रायन सिंडिकेट वा को मारते भाई, आ जाओ ये जो सिंडिकेट रायन है ना गाइस इसको मार के देखते हैं। ठीक है 5 गाइस में पेंगविन्स लेके जा रहा हूँ, 5 पेंगविन्स ऑलराइट बॉयज, देखते हैं 5 पेंगविन्स भाई कितना डैमेज यहाँ पे डील कर पाते हैं। ओके हियर वी गो, ओके ऑल राइट, ओपी बोलते स्किप करो यार, आ जाओ फिट कर, हाँ भाई कैसा है, बूम, डैमेज तो है भाई, दे रहे भाई डैमेज, अरे बाबा, हेलो, ये मरते नहीं ना तो और मजा आता, ये मर जाते ना तुरंत ही गाइस, मरते नहीं ना तो ऐसे भाई तबाही मचा देते भाई, भाई 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 मारूंगा तो मैं इसके भाई रॉकेट लॉन्चर से मारूंगा भाई, भाई मैं मारूंगा तो रॉकेट लॉन्चर से, हाँ थोड़ी हेल्थ डाउन करो भाई, मैं मारूंगा तो रॉकेट लॉन्चर से भाई, 50 लेवल हो जाए तो इसको मार पाए ना गाइस हम लोग 5 उससे, मारूंगा तो रॉकेट लॉन्चर से, आ जाओ गाइस इसको मारूंगा तो रॉकेट लॉन्चर से ही गाइस, ठीक है रेडियो गाइस, बूम हेडशॉट बॉयज, अरे यार मुसीब से यार, पेंगविन काफी बढ़िया है यार, काफी बढ़िया, मजा आ रहा है भाई इनको भाई यहाँ पे चलाने में, और बम चीकी चीकी बम बम भाई यहाँ पे फोड़ने में काफी मजा आ रहा है। ये क्या चीज है, ए भाई हटाओ भाई, ये कैसे आ गया, इटू मारकर, हाँ ठीक है लेट्स गो, चलो घर पे चलते हैं, हाँ भाई मजे ही मजे आ गए गाइस, सच बहुत मजे करे। बॉल कितने लेजेंडरी वाले बॉयज, नो बॉल है इन 9 बॉल्स,
कैन वी एबल टू कैप्चर हो 14 वर्ड्स बंडल लेजेंडरी वाले ठीक है रुको ऑल राइट मैं अभी एंड करने से पहले ना गाइज ये एपिसोड एंड करने से पहले हम एक और फ्रॉस्टलिन पकड़ के लेके आते हैं ठीक है मैक्स कहाँ पे है अपना मैक्स भाई हाँ एक और फ्रॉस्टलिन पकड़ के लेके आता हूँ मैंने जैसे कि गाइज आपको बोला भाई हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको 4 गोल्डन स्किल वाला फ्रॉस्टलिन नहीं मिलता ये लेजेंडरी बॉल बनने दो बना भाई ये लेजेंडरी बॉल बना जल्दी से एक और फ्रॉस्टलिन पकड़ने जा रहे हैं हम लोग रुको चलो गाइज लेजेंडरी बॉल जो है वो 14 बन चुके हैं अभी जल्दी जल्दी चलते हैं और एक और भाई फ्रॉस्टलिन पकड़ के लेके आते हैं भाई ठीक है हमारा सबसे पावरफुल पैल जो है वो फ्रॉस्टलिन ही है भाई कुछ भी करो मैं कितना भी गोल्डन बिल्डन स्किल निकालू दूसरे डायनोस की दूसरे पोकेमॉन्स की बट हमारा सबसे पावरफुल पोकेमॉन जो है वो अभी तक भी गाइस फ्रॉस्टलिन ही है सोचो भाई सोचो इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्रीडिंग ब्रीडिंग करता हूँ मैं दूसरे वगैरह भाई सारे पैल्स की बट हमारा ये वाला जो गाइस पैल है वही सबसे पावरफुल भाई यहाँ पे अभी तक क्या ही बोले चलो अच्छी बात है अभी यहाँ पे पहले तो इसकी बैंड बजाई जाए और इसको कैप्चर करा जाए भाई जल्दी 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 टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना ये ले ये ले ये ले ये ले भाई सीवाल अटैक उसके बाद फायरबॉल 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 और एक नंबर एआर ओके कम ऑन कर ले हमला कर ले तू सब सब अटैक्स कर तो फ्रीज करके रख दी एनिबस आ जा एनिबस भाई कम ऑन एनिबस भाई जल्दी 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 काम 25 कर लो काम 25 करो अब यार ये सबको फ्रीज कर रहा है भाई बेशरम ओ भाई मैंने उसके अटैक के ऊपर से ओ शिट शिट ये वाला अटैक बहुत खतरनाक होता है ये वाला अटैक बहुत खतरनाक होता है एनिबस भाई मेरे मृत्यु के बाद तुम करोगे क्या कुछ डिवाइन डिजास्टर मारना है रुक डिवाइन डिजास्टर मारने देता ना बर्फ का गोला बना दिस मेरे को जा जा मार दे भाई अभी तू डिवाइन डिजास्टर भाई मार दे डिवाइन डिजास्टर शाबाश एक नंबर जा भाई लोग सब बारी बारी से मारना इसको सब बारी बारी से मारेंगे वाह दोनों ने एक साथ सेम अटैक करा भाई दोनों ने एक साथ सेम अटैक करा बताओ मजे ही मजे ओके मेरी गन जो है गाइस वो पूरी डैमेज है हाँ उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और इस बार तुम्हारा भाई वो जो रॉकेट लॉन्चर बनाया ना मैंने ठीक है अभी इतना महंगा वाला उससे क्या होता है वो देखने वाला है ठीक है ये रॉकेट लॉन्चर से क्या होता है मैं देखने वाला हूँ रुको लेजेंडरी स्पेरा अरे वाह अपना कौन सा और दूसरा हाँ कन्फ्यूज हो गया मैं थोड़ा अपने और दूसरे में अरे भाई नहीं ओके ओके संभल के थोड़ा थोड़ा संभल के खाना शाना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खा लो पिज़्ज़ा सिज़्ज़ा खा लो ठीक है ओके जी 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 गन फुल डैमेज होने वाली है अभी मेरी ओके नाइस मैन ठीक है शील्ड 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 देखनी पड़ेगी रुको मेरे को अपनी शील्ड देखनी पड़ेगी शील्ड रिपेयर होने दो जब तक वो वहाँ पे लड़ रहा है खाना खा ले भाई खाना खा लो भाई वहाँ पे आ गई भाई अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया तो मस्त बेगी खाना खा रहा था संभल के शील्ड रिपेयर हो रही है ओ ना ये अटैक नहीं ठीक है ओके भाई बच गया जी काफ़ी बढ़िया नाइस जेट्रोकॉन एक नंबर काम कर रहा है जेट्रोकॉन भाई तू एक नंबर काम कर रहा है नाइस एक नंबर बोलते हैं जेट्रोकॉन भाई एक नंबर बोलते इधर आओ भाई इसको थोड़ा सबक सिखाया जाए क्या ना कुछ ज़्यादा हीरो बन रही है ना ओके संभल के भाई ठीक है आग लग गई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि आग लगने से इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रेन होती है ठीक है आग लगने से बहुत ज़्यादा जल्दी हेल्थ ड्रेन होती है इसकी गन
टूट जाए पूरी तरीके से, उससे पहले इसका गेम बजाना है। ठीक है, कम ऑन एनिबस भाई, एनिबस भाई डैमेज दो थोड़ा, एनिबस भाई थोड़ा डैमेज, एनिबस भाई थोड़ा डैमेज, शाबाश, नाइस, मार और मार और मार थोड़ा। शॉटगन लुके, हाँ शॉटगन लेता और को डैम। ओके ओ ना 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 ना, दूर 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 दूर। शैडो बैक, डिवाइन डिजास्टर ब्रो, डिवाइन डिजास्टर, नॉट दिस अटैक ब्रो, भाई डिवाइन डिजास्टर ब्रो ब्रो ब्रो। शैडो बैक भाई, अरे शैडो बैक भाई, क्या शादी में खाना खाने आए हो क्या फोकट का? अरे कुछ तो काम कर ले भाई। अरे वो डिवाइन डिजास्टर क्या भाई, एफडी करके रखेगा क्या अपने पास? अरे करना, हाँ नाइस, थैंक थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद हम धन्यवाद हम। ठीक है अभी जरा देखा जाए हमारा ये किस काम आता है, किस काम आया ये, किस काम आया, कैप्चर रेट बढ़े नहीं, एक ही बार में कैप्चर तो हुआ, हाई सिमर लेजेंड वही स्किल मिली और कुछ स्किल नहीं मिली। ये काम आया गाइज, कुछ एक बॉल में कैप्चर तो हुआ गाइज, कैप्चर तो हुआ, इससे हम लोग एक ही बॉल में डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ सीन है? चलो आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगा। वैसे बाकी हमारे पेंगुइन्स का रॉकेट लॉन्चर वाला जो अटैक है गाइस, वो आपको कैसे लगा जरूर बताना, और जो पेंगुइन की मदद से हम लोग ने बॉस की बैंड बजाई है वो आपको कैसे लगा वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। और हम फ्रॉस्टेलियन जो है वो चार गोल्डन स्किल वाला जो अभी तक का सबसे खतरनाक डेडली और पावरफुल वाला हमारा पोकेमॉन बन जाएगा अगर चार गोल्डन स्किल वाला मिला तो, उसको हम ढूंढ के रहेंगे कल तक। अगर कल नहीं मिलता है हमको तो परसों वाले एपिसोड में मेरे पास एक फ्रॉस्टेलियन पड़ा हुआ है, कौन सा वाला बताएं, तीन गोल्डन स्किल है इसके पास, ठीक है 1100 डीएम। हे गाइस क्या बोलते हो, ये देखो तीन गोल्डन स्किल वाला मिला है तो हमको, हाँ गाइस ये देखो ना, ये देखो ये वाला तीन गोल्डन स्किल वाला है, मुझे ये पसंद आया था। इसके पास ब्रेव है जो अटैक बढ़ाता है और ब्लड ऑफ ड्रैगन जो ड्रैगन टाइप अटैक बढ़ाता है, ये मैं करने वाला था, बट मुझे ये कब मिला है, लेजेंड है, आइस सिंपरर और सीरियस भी है इसमें, इसको कर लेंगे अगर चार गोल्डन स्किल वाला नहीं मिला तो। इसमें तो दो हमारे अटैक वाले, सीरियस क्या करता है, सीरियस क्या करता है भाई, सीरियस का क्या काम है, वर्क स्पीड बढ़ाएगा, आ मैन, लेकिन कोई नहीं, इसका डैमेज तो मुझे बढ़िया नजर आ रहा है यहाँ पे, ये तीन गोल्डन स्किल के रीजन से, ठीक नहीं, ये तीन लेवल का करके रखा है मैंने तभी मैं बोलूं भाई ना, इसको नहीं करेंगे, इसको करूंगा मैं, ठीक है इसको नहीं करेंगे, इसको करूंगा मैं। इसके पास ना इसका इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, देखो भले इसके पास गोल्डन स्किल नहीं, लेजेंड आइस इंप्रोर गोल्डन स्किल है, बट ब्रेव 10% अटैक बढ़ाएगा, सो ये एक स्किल है, ब्लड ऑफ ड्रैगन 10% अटैक बढ़ाएगा, लेकिन ड्रैगन मूव्स का जो हमारे पास नहीं है अभी इसके पास, ठीक है वो मूव्स नहीं है इसके पास, तो वो सीन वो काम नहीं आएगा, लेकिन ब्रेव काम आएगा इसके, ठीक है। तो इसको मैं लेवलअप करने के बारे में सोच रहा हूँ, देखते हैं अगले एपिसोड में, किस्मत साथ दे दे और क्या पता हम लोग को जो है चार गोल्डन स्किल वाला जो है जहाँ पे ओपी सा मिल जाएगा इस अपना फ्रॉस्टेलियन, ठीक है बोल नहीं सकते, देखते हैं। अभी जाने से पहले इधर आओ भाई, जाने से पहले हमारे भाई लोग के अंडे जो है वो इंक्यूबेट करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं, ठीक है क्योंकि इसको भाई मुझे मैक्स लेवल करना है, तो ये अंडे मुझे इंक्यूबेट करने के लिए यहाँ पे डालने दो जल्दी से। ऊपर से भाई थोड़े अंडे लेके आता हूँ, और अगर आपने हमारी पैलवल की प्लेलिस्ट नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में पैलवल नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे हमारे सारे के सारे ए टू जेड पैलवल के एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना गाइस, मैं तो बोलूँगा भाई काफ़ी ओपी वाली प्लेलिस्ट है और आपका कोई भी एपिसोड उसमें मिस नहीं होगा भाई, ठीक है चलो। ओवरवेट हो जाऊंगा ना मैं अगर ये अंडे उठाऊंगा यहाँ से अभी तो सारे, हाँ ठीक है एक और राउंड मारना पड़ेगा भाई, देख रहे हो गाइस सारे के सारे इनक्यूबेटर जो हमारे इन अंडों से भर चुके हैं भाई, सारे के सारे, कुछ बचे हुए वो भी अभी भरने वाले हैं, मुझे लग रहा है हमारे पास अंडे एक्स्ट्रा हो गए क्या, शायद से थोड़े एक दो अंडे एक्स्ट्रा होंगे गाइस हमारे पास, ठीक है चार चार ही अंडे क्या एग्जैक्टली, रुको देखने दो, चार अंडे आई थिंक से चार ही है, चार ही है एग्जैक्ट भाई, जितने इंक्यूबेटर है उतने अंडे जो है गाइस हम लोग को यहाँ पे मिले हैं, सही है चलो
अभी इन दो आखिरी अंडों को भी मैं डाल देता हूँ, नहीं चार आखिरी अंडों को डाल देता हूँ इनक्यूबेट करने के लिए, एक दो तीन एंड चार, और आज का ये वाला हमारा एपिसोड प्यारा सा हो जाता है यही पे खत्म। सो हमारे पेंगुइन्स रॉकेट लॉन्चर वाले कैसे लगे जरूर बताना गाइस नीचे कमेंट करके। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है ये पे खत्म, मिलते पाल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were